सर ये कोई बात नहीं हुई, एक प्रोजेक्ट के लिए हम अपनी जान नहीं दे सकते, और जहाँ तक पैसे की बात है तो हम उन्हें वापस कर देंगे, हमें नहीं करना ये काम। प्रोजेक्ट को बीच में कैसे छोड़ के जा सकते हो? देखो लाइव शूटिंग में ये सब कुछ होते ही रहता है। क्या कहा? वो पागल हमें जान से मार सकता है। अब कोई रास्ता नहीं है, मैं पुलिस को अभी फोन करके उस पागल को पकड़वाता हूँ। अरे सर फोन ऑन करने से कुछ नहीं होगा। सर ऐसे प्रोजेक्ट में ये सब होता रहता है, और सर ये सब काम करने के लिए आप हमसे पेमेंट भी तो ले रहे हैं ना? पेमेंट ली है तो काम करके दे सकता हूँ, उसके लिए जान थोड़ी दूंगा। आप जब आ गए हैं तो लाइव शूट करके ही जाएंगे। तुम्हें शूट करना है तो तुम करते रहो, मुझे जान प्यारी है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। छोड़ दो शक्ति। हाँ पर यार अगर इन्हें हमारे काम में इंटरेस्ट नहीं है तो जाने दो ना। लेकिन उस पागल को तो मैं किसी हालत में नहीं छोड़ूंगा, उसे तो सबक सिखा के रहूंगा। मैं पुलिस को बयान दूंगा कि सारे मर्डर्स के पीछे उसी पागल का हाथ है। छोड़ो यार बिना वजह बहस मत करो, ये मेरा प्रोजेक्ट है और इसे कैसे पूरा करना है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। रुद्रा आ, तू आ गया ना, मैं जानता था तू आएगा, आ जा। वो तेरा ही इंतजार कर रही है, तू उसे अपने साथ ले जा रुद्रा, वो तेरी याद में कब से तड़प रही है, तुझे याद कर करके वो हमेशा रोती रहती है। तू यहां एक दिन जरूर आएगा, उसे पूरा यकीन था। मैं तुझे उससे मिलवाने के लिए कब से तेरा इंतजार कर रहा था, मैं तुझे उससे एक बार मिलवा दूं तो मैं अपनी जिम्मेदारी से छूट जाऊंगा, फिर मैं चला जाऊंगा, इस गांव को छोड़कर कहीं और चला जाऊंगा। मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहा है ना? मैं सचमुच यहाँ से चला जाऊंगा। हेलो हेलो एक मिनट, तुम जो सोच रहे हो वो रुद्रा मैं नहीं हूँ, मेरा नाम सुरेंद्र है, रॉयल कॉलेज में डायरेक्शन की पढ़ाई कर रहा हूँ। यहाँ के आनंद नगर पुल पे हमेशा एक्सीडेंट होते रहते हैं, उसी की स्टोरी मैं कवर करने आया हूँ, और मुझे सब कुछ पता चल गया है उस एरिया के बारे में, उस पुल के बारे में, शिवनेश्वर के बारे में, सब कुछ पता है मुझे। हो ना हो तुम्हारा इस कहानी से कोई ना कोई कनेक्शन है, क्या तुम मुझे बताना चाहोगे उस पुल की असलियत बताओगे मुझे प्लीज? ए रुद्रा मुझे बेवकूफ समझता है क्या? नहीं। क्या बकवास किया जा रहा है, मीरा को नहीं जानता क्या? कौन मीरा? उसे पहचानने से इनकार कर रहा है, भूल गया क्या? लेकिन मैं अब तो तू ये भी पूछेगा कि मैं कौन हूँ। देखिए मैं सच में नहीं जानता कौन मीरा। मीरा यह सुनेगी तो कितनी दुखी होगी पता है? लेकिन ए क्या हुआ? अरे
अगले हफ्ते यूएस जाने वाले हो, वीजा मिल गया है, ऐसा तुमने ही कहा था। फिर ये बैग लेकर यहाँ क्यों आए हो? अंदर आ जाओ, आ जाओ, आओ। बैठो, बैठो, बैठो ना। मीरा, नमस्ते। अब बोलो क्या हुआ? हम लोग घर छोड़कर आ गए हैं। क्यों, घर छोड़कर क्यों आए? भगवान के साथ बहुत देर तक बात कर रही थी, क्या बात है? मेरी मन्नत पूरी हो गई इसलिए भगवान का शुक्रिया अदा कर रही थी। मन्नत? कौन सी मन्नत मांगी? तुमने यूएस के वीजा के लिए अप्लाई किया था ना, तब से 48 दिनों का उपवास रखने की मन्नत की थी। अचानक जब तुमने कहा कि तुम्हारा वीजा लग गया है तो मेरी आँखों में आंसू आ गए। सच कहूँ तो मैं फॉरेन जाना ही नहीं चाहता हूँ। क्यों? देखो मेरा, यहाँ रोज मिलते हैं तो भी जी नहीं भरता, तो वहाँ जाने के बाद सोचो मेरा क्या हाल होगा। मैं तो कुछ और ही सोच रही थी। ए, हम लोग मेल पर चैट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर बातें कर सकते हैं, फिर क्यों इतने इमोशनल हो रहे हो? तुम नहीं समझोगी, साथ में रहने की बात ही कुछ और होती है। ए? अपने लक्ष्य को पाने के लिए छोटी मोटी कुर्बानियां तो देनी ही पड़ती हैं। कुछ खोए बिना कभी कुछ हासिल नहीं होता। अच्छा, सचिन तेंदुलकर 16 साल की एज से इंडियन टीम में खेलने लगा था, तब उस टीनेज लड़के ने अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर दी थी, लेकिन आज जब वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड पर उतरता है तो सारी पब्लिक उसके लिए खड़े होकर ताली बजाती है, ये तो पता है ना? तो तुम्हारा ये कहना है कि मैं तेंदुलकर बन जाऊँ? क्यों नहीं, तुम कर सकते हो। अगर तुम फॉरेन जाकर कुछ साल काम कर कर आए ना, तो फॉरेन रिटर्न कहलाओगे। उसके बाद किसी बड़ी सी कंपनी में अच्छी सैलरी और अच्छा सा जॉब मिल जाएगा तुम्हें, और फ्यूचर में हम लोगों की लाइफ एकदम से सेट हो जाएगी। सर, क्या हुआ? देखो वो बदमाश पुलिस वाला आ रहा है, चलो जल्दी से। ठीक है, चलो। यहाँ के हालात तो बिगड़ते ही जा रहे हैं सर। दिमाग खराब है क्या, हमेशा फिजूल की बातें करते हो। नहीं सर, मैं फिजूल की बात नहीं कर रहा हूँ। पूरे देश में करप्शन फैला हुआ है, पार्लियामेंट 8 दिनों से बंद है सर। करप्ट नेता पार्लियामेंट में करप्शन के नाम पर शोरगुल करते रहते हैं, हम क्यों उस झमेले में पड़े? क्या सर, आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं? हम लोग कानून के रखवाले हैं, हम ऐसा बोलेंगे तो कैसे चलेगा? एक बात बताऊं, तुम और गिरधारी लाल उस दिन पुलिस स्टेशन में एक दूसरे की शर्ट फाड़ रहे थे, वो क्या मैटर था? सर वो कोई खास मैटर नहीं था, मैंने अपना एक केस डील करने के लिए उसको दिया था, उसने मुझे बिना बताए 20,000 रुपए खा लिए। मेरा केस है तो आधा हिस्सा मेरा बनता है ना, मैंने उससे पूछा तो वो भड़क गया, इस पर मैंने उसे एक गुस्सा मारा। और तुम हो कि करप्शन मिटाने की बात करते हो। अच्छा, तुमने दो दो आलिशान घर आखिर बनाए कैसे? सर मैंने तो छोटी छोटी रिश्वत लेकर 2 फ्लैट लिए हैं, पर आपने कितनी प्रॉपर्टी बनाई है बताइए, क्योंकि आपने तो इतनी रिश्वत ली है, आप बॉस हो हमारे। इसे मैं क्या बेवकूफ दिखता हूँ? क्या हुआ सर, अब बता भी दीजिए। मैं जो भी करता हूँ डंके की चोट पर करता हूँ, इसीलिए लोगों में इज्जत है। हाँ, कौन सी इज्जत? आप जिस लड़की से शादी करने वाले हैं वो किसी और लड़के के साथ घूम रही है। क्या कहा? अभी देखा मैंने। गाड़ी रोको, रोको, साइड में लो। तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आपको नहीं बताना चाहता था, इसीलिए मैंने दूसरी बात छेड़ दी थी। आपने रिश्वत की बात की तो मुझसे रहा नहीं गया। चलो गाड़ी घुमाओ। सर आप शांत हो जाइए, पब्लिक प्लेस में लफड़ा करने से बात बहुत बिगड़ जाएगी। सर आपकी शादी हो जाने तक आप किसी को कुछ मत बोलिए। तू बस गाड़ी चला और चल उसके घर।
लड़ाई? कहाँ है तेरी बेटी? क्यों? वो तो मंदिर गई है। मंदिर गई है? ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ इश्क कर रही है। बुड्ढा शादी करने चला है। तू मुझसे झूठ बोल रही है? अभी अभी मैंने उसे किसी के साथ देखा। बता कौन था वो? हाँ, तुम हमें क्यों परेशान कर रहे हो? तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारी वजह से पूरे गांव में हमारी बदनामी हो रही है। देखो, मैं उससे प्यार करता हूँ और ये बात उसे अच्छी तरह समझा देना। अगर मैं चाहूँ तो उसे जबरदस्ती उठा के ले जा सकता हूँ और यहाँ पर मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन मैं उससे शादी करना चाहता हूँ और उसे मेरी जरा भी परवाह नहीं। देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए, उसे भूल जाइए, वो किसी और को दिल दे बैठी है। उसका दिल मेरे पास है, ऐसी आवारागर्दी मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। कहाँ गई थी तू? किसके साथ थी? कौन था तेरे साथ? बता कौन था तेरे साथ? लंगूर चला है अंगूर खाने। ये गलत है, ये इंसाफ नहीं है। तेरी भी शादी गांव वालों ने देखकर ही कराई थी। तूने अपनी दुल्हन को परेशान करके मंगलसूत्र छीन के उसे भगा दिया। उसके कारण आज तक दोनों गांव में दुश्मनी है जो अभी तक चल रही है, सब तेरे कारण। ये गांव की सीधी साधी भोली भाली लड़की है, इसकी जिंदगी बर्बाद मत कर। तेरे साथ जब वो रहना ही नहीं चाहती तो तू क्यों जबरदस्ती कर रहा है? अच्छा, तेरी बीवी क्या तेरे साथ खुशी खुशी रहती है? जब पूछ उससे। क्यों, तुम्हें भी कोई और पसंद है क्या? आप भी ना। एक बात कान खोल कर सुन लो, दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। मेरा इतना कर्ज है तुम लोगों पर कि जिंदगी भर चाहोगे तो भी नहीं उतार पाओगे। अगर ज्यादा नाटक किया तो दोनों का जीना मुश्किल कर दूंगा मैं। कल मैं फिर आऊंगा और तुम लोगों को शादी की तारीख बताऊंगा, समझ गए? सुनो बहन, तुम गांव वालों से मिलकर सरपंच से बात करो, वहां देख लेंगे। तो जाओ, जाओ ना। कोई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तुम चाहे जिसे भी बुला लो, लेकिन अगर मैं चाहूं तो किसी की भी बैंड बजा सकता हूं। अच्छा एक बात बता, तू हमारे बीच आने वाला है कौन? अगर तूने हमारे मामले में फिर टांग अड़ाई तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा। मैं तुझे आखिरी वार्निंग दे रहा हूं। फॉरेन से लौट के आने तक वो ऑफिसर इसे छोड़ेगा नहीं। तुम रजिस्टर ऑफिस जाकर इसे शादी कर लो, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। कुछ चीजें हमारे हाथों में नहीं होती, हालात ही उसका फैसला करते हैं। हाँ, तुम सही कह रहे हो, लेकिन हालात ऐसे होंगे मैंने कभी नहीं सोचा था। इससे पहले कि कोई तुम्हें देख ले, तुम लोग चले जाओ। चलो जाओ। तुम भी चलो ना माँ। सोचा नहीं था कि तुम दोनों की शादी इस तरह से होगी। अगर मैं तुम लोग के साथ आई और किसी ने देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। तुम लोग जाओ बेटा। जी आंटी। मैं अपनी बेटी तुम्हें दे रही हूँ, उसका ख्याल रखना। माँ, मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? मैं अपनी खुशी से तुम्हें भेज रही हूँ, लेकिन अफसोस कि मैं तेरी शादी नहीं देख पाऊंगी बेटी। आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो। चल जल्दी चल। क्या कह रहे हो, इतना सब कुछ हो गया? हाँ,
ठीक है, फिक्र मत करो, मैं हूं ना, कल ही तुम दोनों की शादी करवा दूंगा, ठीक है? हमें यहाँ से निकलना होगा। ऐसा क्यों? अगर तुम दोनों को यहाँ किसी ने देख लिया तो गजब हो जाएगा। तुम दोनों मेरे भरोसे आए हो, तुम्हारी हिफाजत करना मेरा फर्ज है। ठीक है, तो फिर किसी होटल में चलते हैं। होटल में जाना ठीक नहीं रहेगा, बिना मतलब के सवाल पूछेंगे। मुझे एक गेस्ट हाउस पता है, वहाँ कोई नहीं आएगा, वो जगह तुम्हारे लिए अच्छी रहेगी। और एक दिन की ही तो बात है ना? तुम्हारा क्या कहना है? ठीक है। वॉचमैन, वॉचमैन। आया साहब, गेट खोलो। आइए साहब। रूम खुला है ना? अरे क्या बात करते हैं साहब, रूम ऐसे कैसे खुला रहेगा? हाँ। लीजिए चाबी और जाकर खोल लीजिए। ठीक है। चलो अंदर। ठीक, मैं आता हूँ। ठीक है, लो बैग दो। मैं लेता हूँ। वॉचमैन से बोल दिया है, वो मेरी पहचान वाला है। कुछ चाहिए तो बोल देना। ठीक है। तुम इतनी परेशान क्यों हो? कल शादी है, मैं जाकर सब तैयारी करता हूँ, ठीक है? तुम लोग तैयार हो जाओ, मैं आधे घंटे में खाना लेकर आता हूँ, ठीक है? मेरा चुप क्यों हो? बोलो ना, जो हुआ उसके लिए तुम परेशान मत होना, जो होने वाला है उसके बारे में सोचो। किसका फोन है? माँ का है। उन्हें बताना हम ठीक हैं, और ये भी बताना कि कल हम शादी करने वाले हैं। यहाँ पर सिग्नल नहीं है, मैं जरा बाहर से बात करके आती हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम। हेलो। अरे बेटा, कहाँ हो तुम लोग? यहाँ कोई आनंद नगर नाम का गांव है, उसी के गेस्ट हाउस में रुके हैं। तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ माँ। वहाँ गांव में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? यहाँ कोई परेशानी नहीं है, तुम यहाँ की फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगी। कल हमारी शादी है, उनका फ्रेंड सब अरेंजमेंट कर रहा है। शादी के बाद मुझे फोन करना, मैं मंदिर जाके पूजा कर लूँ।
ठीक है माँ। बेटी तू अपना ख्याल रखना और मुझे फोन करती रहना। ठीक है माँ। मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। ओके माँ, मैं आपको फोन करती हूँ। ठीक है बेटा, रखती हूँ। बाय। मेरा सब ठीक तो है ना? क्या हुआ मेरा, बोलो ना, रो क्यों रही हो? कुछ नहीं। मुझे नहीं बताओगी? मेरी प्रॉब्लम की वजह से तुम्हें अपनी फैमिली को छोड़ना पड़ा, तुम्हारे घर वालों ने कुछ नहीं कहा? देखो इस वक्त हमारी मजबूरी है, इसलिए हम भागकर शादी कर रहे हैं। एक बार सब सेटल हो जाए सबको बता देंगे ना। हमें अपनी शादी खुद ही करनी पड़ रही है। सच तो यही है, ज्यादातर प्यार करने वालों की शादी मंडप में कहाँ होती है, या तो मंदिरों में होती है या कोर्ट में होती है। अरे इतना ही क्या, फिल्मों में देखती नहीं हो क्या, मंदिरों में शादी होती है। सच्चे प्रेमी तो प्यार में ही खुश रहते हैं, लेकिन दुनिया वाले उन्हें चैन से जीने कहाँ देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि प्यार करके शादी करना जैसे कोई बहुत बड़ा गुनाह हो। जाति, इज्जत, मान मर्यादा में जीने वाले लोग उनकी जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। अपने प्यार के लिए मरने वालों का प्यार वो लोग समझ नहीं पाते। अपनी जिंदगी हमें खुद ही जीनी होगी। फॉरेन में ज्यादातर अरेंज मैरिज होती ही नहीं ना, वहाँ तो ज्यादातर लव मैरिजेस ही होती है। हाँ सही कहा, अगर पसंद ना आए तो अपना अपना रास्ता नाप लेते हैं, हाथ में एक बच्चा पकड़कर। हेलो। आजा आजा, इधर आओ। क्या हुआ? ये खाना रख लो। मुझे एक काम है। और सुनो, बाहर बाइक खड़ी है, कहीं जाना होगा तो जाकर आना। अच्छा ठीक ठीक है, मैं चलता हूँ। थैंक यू, बाय। रुद्रा मैं नहा कर आती हूँ। ओके। मीरा, क्या है? टॉवल तो बाहर ही भूल गई तुम मीरा। मैं ऑलरेडी टॉवल लेके गई हूँ। ओके अच्छा। अब जाओ जाओ जाओ। अरे ए जाओ ना। अरे मीरा, मीरा दरवाजा खोलो जल्दी। अब क्या हुआ? क्या हुआ? ये क्या, साबुन तो बाहर ही रखा हुआ था। ये कपड़े धोने का साबुन है। इससे कपड़े धोते हैं? तुम ना बहुत चालाक हो गए हो तुम। चलो भागो यहाँ से। मेरी बात तो सुनो। अरे जाओ यहाँ से। अरे अरे जाओ। दरवाजा बंद कर रही थी। हेलो। अरे कहाँ पर हो तुम? फोन नॉट रीचेबल आ रहा है, कहाँ हो? अरे वो बेडरूम में था, सिग्नल नहीं मिल रहा था। बोलो क्या हुआ? ठीक है, मैं वहाँ आ रहा हूँ। यार जोरों से भूख लगी है, जल्दी आना भाई। ठीक है आता हूँ। बहुत मस्त गाना गाते हो तुम दोनों, क्या बात है, बढ़िया है। बहुत मस्त आइटम है, कहाँ से लेकर आए? क्या बकवास कर रहे हो, कोई बाहर वाली नहीं, मेरी होने वाली बीवी है, इज्जत से बात करो। जो भी आता है बस यही कहता है, बहुत देखा है हमने। हेलो, हम लोग प्यार करते हैं। आ जाओ भाई जाओ, हमको बुड़बक समझता है। हेलो,
अरे कहाँ हो भाई तुम लोग, जल्दी आओ ना। एक बात जानते हो, बहुत मस्त आइटम आई है यहाँ पे। अरे जल्दी आ जाओ, दोनों यहाँ पर बहुत मजा कर रहे हैं। अरे आज यहाँ पर कोई नहीं है, फिर ऐसा चांस नहीं मिलेगा, इसीलिए कहता हूँ जल्दी आ जाओ। चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। मुझे तो ये लगा था कि तू शराब पी के पढ़ा चढ़ा के बता रहा है। अच्छा ठीक है ठीक है। बिना देखे जब तेरी ये हालत हो रही है तो देख लेगा तो क्या होगा। चलना, अब रुका नहीं जा रहा। अरे इसे खत्म तो कर लें। मुझे छोड़ दो, मुझे
को किडनैप करने वाले और कोई नहीं थे, वो शिवनेश्वर और उसके दोस्त थे। हेलो, हाँ वॉचमैन बोल रहा हूँ। भाई बात बहुत गंभीर हो गई है, वो ऑटो वाला भी उसी रास्ते से आने वाला है। वो अभी आनंद नगर पुल तक पहुंचे होंगे, उन सबको वहीं पकड़ के खत्म कर दो। मैं भी पहुंचता हूँ, फोन रखता हूँ। ओके। रुद्रा के साथ इन लोगों ने बहुत ज्यादती की, मैं चाहकर भी उन्हें रोक नहीं पाया। मुझे उन लोगों ने इतना मारा कि मैं बेहोश हो गया। होश आने पर मुझे पता चला कि मीरा के साथ इन लोगों ने रेप किया और उसे जान से मार डाला। बाद में मुझे पता चला कि शिवनेश्वर और उसके दोस्तों ने पहले भी ऐसे बहुत सारे कारनामे किए थे। इतना सब कुछ शिवनेश्वर ने किया, तो आखिर शिवनेश्वर मरा कैसे? शिवनेश्वर, शिवनेश्वर, ए क्यों चिल्ला रहा है? वो फोन करके मुझे डरा रही है यार। ऐसा क्या? क्या बोल रही है वो? हिम्मत है तो पुल के पास आकर दिखा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अबे चुप हो जा, बैठ। मुझे सब कुछ पता है, ये सब मीरा और नटराजन का ड्रामा है। ड्रामा? तुम्हारा फोन बज रहा है। मीरा का फोन। क्या बोल रही है? बात करना। हेलो, मीरा बोल रही हूँ। हाँ बोलो मीरा, क्या बात है मीरा? अगर तुम्हें हिम्मत है तो आनंद नगर के पुल पर अभी आ जाओ। हिम्मत? अभी आता हूँ। अरे शिवनेश्वर सुनो तो यार, ऐसी गलती मत कर।
शिवनेश्वर और उसके दोस्तों ने मिलकर सिर्फ मीरा की ही नहीं बहुत सारी लड़कियों की इज्जत लूटी और उन्हें जान से मार डाला। इन सब बातों का पता लगाने के लिए मैं शिवनेश्वर के साले नटराजन से मिला। मैंने नटराजन से ये सारी बातें बताई तो वो मेरी मदद करने के लिए राजी हो गया। शिवनेश्वर के अत्याचारों का अंत करने के लिए हम लोगों ने एक प्लान बनाया, लेकिन पता नहीं शिवनेश्वर को कैसे हमारे प्लान के बारे में पता चल गया। उल्टा शिवनेश्वर ने ही हमें मारने का प्लान बनाया। वो हमें मारने के लिए आ रहा था कि करके डरा रही हो? बहुत ड्रामा किया तूने। मैं तो सच में घबरा गया। तेरी परफॉर्मेंस लाजवाब है, इनाम मिलना चाहिए। क्या बात, क्या मेकअप है, तुम्हें जरूर कोई इनाम मिलना चाहिए। बिल्कुल डरावना लुक है। मेरे मैटर में दखल थी इसलिए उन दोनों को मारना पड़ा। तू सिर्फ उसके जैसी दिखती है इसलिए मुझे डराना चाहती है। तुझे लगा कि मैं तुझसे डर जाऊंगा? तुम मुझे मारना चाहती थी ना? ले अब तू मार। तूने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। बचाओ, वो मुझे मार डालेगी। शिवनेश्वर, मुझे बचा लो यार। को शिवनेश्वर हमें मारने के लिए आया, तब मीरा की आत्मा नटराजन की बीवी के शरीर में घुस गई और उस पुल पर शिवनेश्वर और उसके दोस्तों को मार डाला। उसके बाद मीरा की आत्मा ने अपने सभी दुश्मनों से चुन चुन कर बदला लिया। तुमने जो कहानी बताई उस स्टोरी का कोई सबूत या गवाह है? अब तक मैंने रुद्रा समझकर तुम्हें सारी कहानी बताई, लेकिन तुम रुद्रा नहीं हो, इसीलिए मैं जो बता रहा हूँ उस पर तुम विश्वास नहीं कर रहे हो।
तुम्हारे दोस्तों को जाकर बोलना है तो बोल दो, जाओ बोल दो, जाकर बोल दो कि मुझे पुलिस से पकड़वा दे। वो भी मैं देख लूंगा। मैं जा रहा हूं, तुम रुद्रा नहीं हो, समझ गए? मैं मीरा को बता दूंगा। हेलो, एक मिनट रुकिए तो। हेलो, मुझे तुमसे और कुछ बात करनी है। मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। अरे पर तुम रुद्रा नहीं हो। नहीं हो तुम रुद्रा। हेलो, अरे आप प्रोजेक्ट का इससे बेटर क्लाइमेक्स हो ही नहीं सकता मेरे भाई। भाई, इतना रिसर्च करने के बाद भी हाथ में कुछ लगा नहीं है तो कैसे मान ले कि ये क्लाइमेक्स सही है? हाँ, हाँ पर इसका कोई एंड तो होना चाहिए। तू क्या बोलता है भाई? देख, ये हर एक की सोच के ऊपर डिपेंड है। अगर तुझे ये क्लाइमेक्स सही लग रहा है तो ठीक है, पर मुझे ये क्लाइमेक्स सही नहीं लग रहा। यार, एक महीने से रिसर्च कर करके घूम घूम के आगे के बाल झड़ गए यार। भाई बाल नहीं झड़े, ऐसा लग रहा है तू बुड्ढा हो रहा है। गाड़ी क्यों रोक दी यार? सामने तो देख यार, देख मीरा खड़ी है सामने। क्या मीरा कहाँ है भाई? तुझे नहीं दिखाई दे रही? अरे ये क्या गाड़ी के सामने खड़ी है? अरे हम लोग भूतों के मारे परेशान हैं और तू है कि कॉमेडी कर रहा है। नहीं, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, वो सामने खड़ी है। अरे यार मेरी बात सुन, तू सीरियसली बोल रहा है या कॉमेडी कर रहा है, वो भी इतनी रात के वक्त इस पुल पर? क्या है? तो चुप कर यार, वो रो रही है। तू मेरी बात मान, गाड़ी चला। ए सुन ना, ए गाड़ी क्यों नहीं चला रहा है? तुझे हो क्या गया है? अरे चलना भाई, अरे चलना यार। अरे यार सामने कोई नहीं है, तू खामखा परेशान हो रहा है, तू गाड़ी चला यार। ठीक है मैं गाड़ी चलाता हूं। चल बारा बारा, तू बारा। बैठ भाई। अरे कुछ भी नहीं है यार, बैठ जा, बैठ जा। अरे बैठ ना यार, आराम से बैठ।